नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैबो मोमेंट्स में। आज हमारी एक यात्रा की शुरुआत होने जा रही है जो कि चित्रकूट धाम करवी तक है। चित्रकूट में होने वाले सारे अनुभव हम आपके साथ साझा करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। अगर आप कानपुर सेंटर से लेकर चित्रकूट धाम तक की है, ये रही हमारी ट्रेन। उस यात्रा में हमारे साथ जो भी अनुभव होंगे, जो भी हो चीज होगी, वो चीज हम आपके साथ साझा करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो सफर हमारा शुरू हो चुका था। ट्रेन हमारी तेजी से बढ़ती चली जा रही थी और खूबसूरत खूबसूरत से दृश्य हमारे सामने आते चले जा रहे थे। वो पहाड़, वो खुले मैदान, खेत खलिहान और यहाँ पर चलती हुई ठंडी हवा सफर की सारी थकान उतार देती थी। बीच बीच में मौसम भी खराब हो रहा था, आंधी तूफान बारिश भी हो रही थी, जिससे हमारा सफर और मजेदार बन रहा था और हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर थे। नमस्कार दोस्तों, हम फिर पहुंच चुके हैं कानपुर से चित्रकूट धाम। वो धाम जो भगवान राम की बहुत बड़ी आस्था से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष यहीं पर बिताए। तो इन्हीं 11.5 वर्षों में यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सब कुछ वो दिखाने वाले हैं, सब कुछ वो बताने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक हमारे साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब हम आ चुके हैं रामघाट। जी हाँ, ये वही रामघाट है जहाँ पर प्रभु राम नित्य स्नान करते थे। मंदाकिनी और पर्वतिनी के संगम स्थल रामघाट ही श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंड दान किया था। यह वही प्रसिद्ध घाट है जिसके बारे में कहा गया है कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। शाम के समय नाव वाले आपको वोटिंग करने के लिए बोलते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर वोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। शाम के समय रामघाट में बहुत अच्छा लगता है। शाम के समय यहाँ पर मंदाकिनी नदी की आरती होती है। शाम के समय यहाँ पर बहुत सारे लोग वोट में बैठकर मंदाकिनी नदी की आरती का आनंद लेते हैं। रामघाट में मंदाकिनी नदी के बीच फव्वारा लगा हुआ है। जब आरती चालू होती है तो यह फव्वारा भी चालू कर दिया जाता है, जो देखने में बहुत ही मनोरम लगता है। तो दोस्तों, अब हम आपको यहाँ से ले चलते हैं सीधे कामतानाथ पर्वत की ओर, जहाँ पर कामतानाथ जी का मंदिर और उनकी जो परिक्रमा है, जो पूरे 5 किलोमीटर की है, उस पूरी परिक्रमा के आपको दर्शन कराएंगे। तो ये रहा रामघाट और अब हम चलते हैं सीधे कामतानाथ मंदिर की ओर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कामतानाथ मंदिर जी की ओर, जो सड़क जाती है उस पर। ये आसपास जो दुकानें हैं, ये एक पूरा बाजार है जहाँ से आपको अपनी आवश्यकता अनुसार सामान मिल जाता है। मंदिर में नारियल, प्रसाद, जो भी अन्य सामग्री चढ़ाई जाती है वो सब आपको यहाँ मिल जाती है। ये देखिए किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि आज यहाँ इतनी भीड़ नहीं है और हम अब प्रसाद खरीदने चलते हैं। ये वो भैया हैं जो हमारे प्रसाद बेच रहे हैं, इनसे हम प्रसाद लेंगे। नारियल लिया भैया ने, पूरा हमें पैक करके दे दिया है और अब हम चलते हैं सीधे मंदिर। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने इस पर्वत को छोड़ आगे बढ़ने की ठानी तो पर्वत ने उन्हें चिंता जाहिर करते हुए बताया कि चित्रकूट की अहमियत सिर्फ श्री राम के वहां रहने तक ही थी और उनके वहां से चले जाने के बाद उस जगह का कोई नहीं पूछेगा। ये चिंता सुनकर भगवान श्री राम ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इस पर्वत की परिक्रमा पूरी करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होगी और चित्रकूट धाम की यात्रा भी इस पर्वत की परिक्रमा के बाद ही संपन्न मानी जाएगी। इच्छा पूरी करने वाले पहाड़ के नाम पर ही इस पर्वत का नाम कामतगिरी रखा गया और आज श्रद्धालु
मन में अपनी इच्छाएं लिए उन्हें पूरी करने के मुराद के साथ कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं। ये भगवान कामतानाथ का मंदिर है। माना जाता है कि कामतानाथ भगवान राम का ही एक रूप थे। मंदिर में कामतानाथ के साथ कामतगिरी देवी की भी पूजा की जाती है। वैसे तो साल भर ही कामतगिरी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर आप रामनवमी, दीपमलिका, यहाँ पर किसी भी महीने के अमावस पर आते हैं तो यहाँ लगने वाले मेले का हिस्सा भी बन सकते हैं। यकीन मानिए, इस दौरान यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी परिक्रमा। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा है 5 किलोमीटर की। हमारे राइट हैंड साइड पर कामतगिरी पर्वत है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ये सभी चीजों की दुकानें हैं। इसी परिक्रमा मार्ग के बीच आपको ये राम दरबार मंदिर मिलता है और हमारी परिक्रमा फिर से शुरू हो जाती है। परिक्रमा 5 किलोमीटर लंबी थी, धूप बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी हम चलते चले जा रहे थे। जो लोग चल के नहीं जा पाते हैं, पैदल नहीं चल पाते हैं, किसी तरीके की समस्याओं से ग्रसित हैं, उनके लिए यहाँ पर ये ट्रॉली भी चलती है। ये व्हील चेयर आपको दर्शन करना चाहिए। बच्चा गिर गया, ये वो पहाड़ी है जो वनवास के समय लक्ष्मण जी रहा करते थे और आसपास नजर बनाए रखते थे। यहाँ पहुंचने के लिए आपको 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन आप इस पहाड़ी से पूरे चित्रकूट का नजारा ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम दृश्य इस पहाड़ी के ऊपर से दिखाई देता है। कामतगिरी परिक्रमा का मार्ग बहुत ही स्वच्छ और सुंदर है। लोगों को परिक्रमा लगाते समय किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कामतगिरी परिक्रमा लगाते समय अनेकों प्राचीन मंदिर मिलते हैं। कामतगिरी परिक्रमा पूरी लगभग 5 किलोमीटर की। कामतगिरी के चारों ओर पक्का परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। परिक्रमा 5 किलोमीटर की। मार्ग के चारों ओर अनेक देवालय बने हुए हैं, जिनमें राम मोहल्ला, मुखार बिंदु, साक्षी गोपाल, भरत मिलाप, चरण पादुका एवं पीली कोठी अधिक महत्वपूर्ण है। यूं तो गिरिराज का महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन भगवान राम द्वारा वनवास अवधि में लघु भ्राता लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता के साथ यहाँ प्रवास करने पर इसकी महत्वता और बढ़ गई। भारत में तीर्थ यात्रा हर एक हिंदू व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस चार धाम की तीर्थ यात्रा में चित्रकूट एक अहम पड़ाव है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में एक ऐसी जगह है जहाँ की यात्रा किए बिना आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी है? वो जगह है कामतगिरी, जिसे अक्सर असली चित्रकूट भी कहा जाता है। अब हम आपको ले चलते हैं हमारे हनुमान जी के पास, हनुमान धारा, जहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे और हनुमान जी के दर्शन करने को मिलेंगे। तो चलिए हमारे साथ हनुमान धारा की ओर।
स्वागत है आपका हनुमान धारा में। जी हाँ, यही वो हनुमान जी का स्थान है, हनुमान धारा। यह स्थान पर्वतमाला के मध्यम भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी के विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर दो जल के कुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें निरंतर पानी बहता रहता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। यहाँ 12 महीने भक्तों का आना जाना लगा रहता है। यही वो जल की धारा है जो हनुमान जी के कांधे पर हमेशा गिरती है और आगे तालाब में जा करके उसको स्टोर किया जाता है। ये पानी अत्यधिक ठंडा और बहुत ही मीठा और अच्छा पानी है। इसको पीकर बहुत ही शांति मिलती है। यहाँ से पूरे चित्रकूट का दृश्य ऐसा दिखाई देता है कि मानो यहीं पर रुकने को मजबूर कर देता। दोस्तों, ये था हमारा सफर। फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।